हेलो डी स्टूडेंट्स, नमस्कार। अकाउंटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम कुछ सीखने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स मतलब कि ग्लॉसरी, मतलब कि टर्मिनोलॉजी टू अकाउंटिंग, राइट? दिस वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, सो लेट्स गो अहेड। सबसे पहला उसमें जो वर्ड है वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ट्रांजेक्शन गाइस? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, राइट गाइस, बिजनेस ट्रांजेक्शन, इफ आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू बिजनेस ट्रांजेक्शन, सो आई हैव डिवाइडेड द वर्ड, द डेफिनेशन, द मीनिंग इनटू फोर पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एन एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब लेन देन करना गाइस, टू आइदर गिव और टू आइदर टेक, राइट? सो गिविंग और टेकिंग आइदर ऑफ द प्रोसेस, आइदर ऑफ द टास्क इज एन एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ वर्ड, क्या लेन देन क्या करनी है? तो प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ द बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ द बिजनेस, राइट? आइदर यू आर एक्सचेंजिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस, राइट? एंड दिस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। सो बिटवीन टू और मोर पर्सन्स दिस एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस। दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में आप अपने बिजनेस की प्रोडक्ट या सर्विस एक्सचेंज करो, लेन देन कर रहे हो, राइट? अच्छा, बदले में आपको कुछ तो मिलेगा ना? यस। सो इसीलिए फोर्थ पार्ट इन फॉर्म ऑफ कैश, इन कैश और इन क्रेडिट फॉर्म, राइट? या तो आप प्रोडक्ट सर्विस एक्सचेंज करके तुरंत आपको पैसा मिल रहा है, या तो फिर आप वो चीज प्रोवाइड कर रहे हो उधार, मतलब कि क्रेडिट पे। द अमाउंट विल बी पेबल, अमाउंट विल बी पेड बाय द कस्टमर इन फ्यूचर, राइट? सो गाइज, दैट इज अवर द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे पीपीटी में मैं ऑलरेडी आपके सामने रखा हुआ है, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस, राइट, बिटवीन टू और मोर पर्सन इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड और क्रेडिट। सो बाय दिस मीनिंग वी कैन कंक्लूड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, आइदर इट कैन बी अ कैश ट्रांजेक्शन और इट कैन बी अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। पैसा तुरंत दे दो या तुरंत अगर आपको मिल जाता है, इट इज कैश ट्रांजेक्शन। इफ द मनी इज टू बी पेएबल in future, receivable in future, it is a credit transaction, right? And the next word we are having, event. What do you mean by event? Event bahut easy hai, simple meaning uska hai, incidents, you can see over here in the PPT, right? But in accounting, event has a little different meaning. A situation or result created from transactions is known as an event. Bhai bahut sare transactions aapke honge na, if you are buying goods, if you are selling goods, if you are making incomes, if you are incurring expenses. So because of all these transactions, whatever result you get, that is known as an event, right? Aur wo result actually kya hota hai? That is your purchase, sorry, that is your profit. Either it can be a profit or it can be a loss. So you can see purchase or sale of goods is a transaction, but result of transaction, that is profit or loss, is an event, right? So moving ahead, the next point is very important, capital. बहुत बढ़िया है capital. What do you mean by capital? An investment made by the owner, right? Investment made by the owner. जो भी समझो, मैं अपना business start करना चाहता हूँ, मैं अपने business में जो कुछ भी invest करूंगा ना, that is known as capital. अच्छा, वो investment कैसे करूंगा? In form of cash or any other asset. मैं पैसा भी लगा सकता हूँ या और कोई मूल्यवान चीज भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, राइट? जैसे कि मेरे पास पर्सनल लैपटॉप है, आई एम इन्वेस्टिंग इट इनटू माय बिजनेस। इफ आई एम हैविंग अ रिवॉल्विंग चेयर एट माय होम, राइट, लाइक फर्नीचर, तो वो मैं अपने बिजनेस में ला रहा हूँ, राइट? सो दैट इज एनी अदर एसेट टू कमेंस और टू एक्सपांड द बिजनेस। अच्छा भाई, इन्वेस्टमेंट कब करता है ओनर? या तो वो कमेंस करने के लिए, मतलब कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। कमेंस मतलब क्या? स्टार्टिंग। So at the time when the business is started or at the time when the business is to be expanded, in these two circumstances, the capital, the investment is done, investment is made by the owner, right? आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल उसको opposite पढ़ेंगे, drawings. Drawings मतलब यहाँ पे painting या sketch या artistic कोई meaning नहीं है, यहाँ पे accounting में थोड़ा सा अलग meaning है. Drawings मतलब to take back the capital from the business. आप अपने बिजनेस में से जो कुछ पैसा लगा रहे, जो बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज कैपिटल। जो वापस ले रहे हो वो ड्राइंग्स, बस का सिंपल सा इतना मीनिंग है। वर्डिंग्स में देख लो, सो कैश, गुड्स और एनी अदर एसेट, पैसा आप ले जाओ, चाहे माल सामान, गुड्स ले जाओ या और कोई चीज, मूल्यवान चीज ले जाओ, विदड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, राइट? पर्सनल यूज के लिए हम बिजनेस में जो कोई चीजें हम ले जाते हैं, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स। एंड ड्राइंग्स इंडिकेट्स कैपिटल रिडक्शन, राइट गाइस?
पैसे देते हैं बिजनेस को तो वो कैपिटल पैसे वापस लेते हैं, तो अल्टीमेटली अवर कैपिटल गेट्स रिड्यूस्ड, राइट। नेक्स्ट वी आर हैविंग वेरी इजी वर्ड लायबिलिटी। लायबिलिटी का सिमिलर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्जा, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्जा। सो यहां पे लिखा हुआ है मीनिंग, मैंने अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, इफ द अमाउंट इज पेएबल, पैसा चुकाना बाकी है, तो वो हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी, राइट। और वो किस तरह से, वेर वेन द लायबिलिटी, वेन डज द लायबिलिटी अराइज, लायबिलिटी कब आपकी, कर्जा कब आपका होता है बिजनेस में, वेन यू परचेज गुड्स सर्विसेज और एसेट्स ऑन क्रेडिट। सो वेन एवर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज और एसेट टेक्स प्लेस एट द टाइम द लायबिलिटी अराइजेस, और वेन एवर यू बोरो मनी, राइट, अगर आप पैसा बैंक से उधार है तो लोन लेते हो, एट द टाइम ऑल्सो द लायबिलिटी अराइजेस। गाइस नाउ वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, इन अकाउंटिंग बिजनेस एंड इट्स ओनर दे टू आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। से फॉर एग्जाम्पल आई एम नितेश गंगारामानी, राइट, and my business name, my coaching institute name is Noble Academy of Commerce, right? So they two are separate from each other. Why this is to be understood? ये समझने की क्यों जरूरत है? क्योंकि आगे का जो topic है इसके लिए ये base है, ये समझना। अगर मैं अपने business को पैसे देता हूँ तो मैं अपने business को पैसे देता हूँ, मतलब मैं अलग हूँ, मेरा business अलग है, that's it, right? Is that clear guys? और इसी concept, इसी छोटे से concept के basis पे हम आगे का topic भी पढ़ने वाले हैं। और जो है इंटरनल लायबिलिटी, टाइप्स ऑफ लायबिलिटी बेस्ड ऑन रिलेशन, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब क्या, जो बिजनेस को पैसे देने बाकी है टुवर्ड्स द ओनर, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी। सी गाइस, व्हेनेवर आई एम इन्वेस्टिंग मनी इनटू माय बिजनेस, दैट बिकम्स लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, बिकॉज मी एंड माय बिजनेस दे टू आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। मैंने बोला ना, मैं अलग हूं, मेरा बिजनेस अलग है, मैं अपने बिजनेस को जो पैसे देता हूं तो बिजनेस के लिए वो कर्जा हो गया, और वो कौन सा कर्जा हो गया, वो हो गया इंटरनल लायबिलिटी, राइट। और एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब क्या, मैं बिजनेस को पैसे नहीं दे रहा हूं बट कोई और बिजनेस को पैसे दे रहा है, जैसे कि बैंक से आपने लोन ली, जैसे कि आपने किसी सप्लायर से या किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से आपने गुड्स खरीदे उधार, या यू टुक द सर्विसेज, यू अवेल द सर्विसेज ऑन क्रेडिट, राइट, या आपका कोई खर्चा चुकाना बाकी है। सो बिजनेस के लिए वो भी लायबिलिटी हुआ, बिजनेस के लिए वो भी कर्जा हुआ, बट दिस लायबिलिटी इज टू बी पेड नॉट टू द ओनर बट टू द पर्सन अदर देन ओनर, राइट। ये कर्जा बिजनेस चुकाएगा बट वो ओनर को पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे मिलेंगे ओनर के अलावा कोई और थर्ड पार्टी है। सो उस तरह का अगर बिजनेस का कोई कर्जा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। एंड गाइस, एनी लायबिलिटी कैन बी डिवाइडेड फर्दर या कैन बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। नॉन करंट का सिंपल मीनिंग है, सिनोनिम है यहाँ पर, वो आप याद रख लो, आपको मीनिंग याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। व्हाट डू मीन बाय लॉन्ग टर्म? भाई एक साल से ज्यादा अगर आपके पास टाइम है वो कर्जा चुकाने के लिए तो आपकी हो गई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसी को हम बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। और भाई करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, एक साल से कम टाइम है, अगर आपने 3 महीने के लिए पैसे लिए हुए हैं किसी से उधार तो वो आपकी करंट लायबिलिटी हो जाएगी, और अगर आपने 3 साल के लिए, दैट मीन्स मोर देन वन ईयर और मोर देन वन ईयर, तो वो आपके लिए कौन सी लायबिलिटी हो जाएगी? लॉन्ग टर्म, मतलब कि नॉन करंट लायबिलिटी। ओके गाइस, सो दैट वॉज ऑल फॉर द डेमो लेक्चर। Hope you enjoyed it a lot and many little concepts must be clear, right? So, इसी के साथ आज का मैं लेक्चर यहाँ पे पूरा करता हूँ। Thank you very much. Take care. Bye-bye. Jai Hind. Jai Bharat.